जय वीर महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। भगत बीज पलटे नहीं, भगत बीज पलटे नहीं और जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे तुरे संति रोशन। जननी जने तो ऐसा जनी, जननी जने तो ऐसा जनी और का दाता कासू। नहीं तो रही जे बांझड़ी तो तेरो मति गमा जेनु। जननी जने तो चार जनी और मति जनी जे चारी। चारों रण में दूजता तो बेचारे घोवे चाली। पर्वत पर सीधे गोरे कता पेरे, ऊंचे पर्वत पर सीधे गोरे कता पेरे। हाँ गोरे कना दे बजाया रे, गोरे जोगी की।
बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो। जय वीर महाराज की जय हो। तो कहे प्रेमियों, एक दिन के टाइम में बाबू गोरखनाथ जी बंगाल में ताबाहा पर्वत पर डेरो लगा रखियो। तो बाबू जी ध्यान लगाए बैठा तो सिंहासन डोलियो। क्यों देवता या भगवान को सिंहासन किया डोले? का कोई भगत हुए भक्ति करे, भक्ति पाक जे तो गोरखनाथ जी भक्ति कुण करे? माता बाछल ददरीवे में राजा उमर हुया। उमर के 3 संतान हुई, नेवर जेवर और एक बहन छबील दी। नेवर जेवर ने दोनों ने सिरसा पाटन ब्याहड़ा हरियाणा में। बेई दोनों भिन्ना कछल और पाछल। अब नेवर देव ने प्रणायन बहुत सा साल बीतिया, कोई संतान को नहीं निपुत्रा। तो राजा जेवर बड़ा दुखी, राजा उमर बहुत दुखी, माता पाछल बड़ी दुखी।
यज्ञ हवन जप तप करना बीता करके देख लिया, पर संतान की प्राप्ति हुई को नहीं। तो एक दिन का टाइम है, राजा जेवर ब्रह्म ने बुला के आपका पोथी पाना दिखाया, पतड़ा दिखाया। तो ब्राह्मण कहने लगे, महाराज थारे उरी बात चल गए, का चल गए, संतान सात जन्म में ही कौन लिखी। तो राजा जेवर कहने लगे, महाराज इसी के पाप करेड़ हुए जो कहूं संतान की प्राप्ति कौन हुए। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज अब बाछल और काछल दोनों लाल जन्म की बात है, माड़िया की लड़की बाग में फिरी, फिरती फिरती अंग हाथ्यू सात चकवी का अंडा, अभी अंडा फूट गया और चकवी श्राप दे दियो कि जा थारे सात जन्म तक संतान को नहीं हुए, ये वास्ते अंग संतान को नहीं हुए। तो महाराज कोई तो इलाज हो सी जगह संतान हो जे। तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज पुन की जड़ हरी हुए, पुन करो जप तप करो, बावड़ी खुदाओ, गौ स्वाला बनाओ और हरियो बाग लगाओ। और हरिये बाग में कोई साधु सन्यासी आ जाए तो वरदान देते, थारा संतान की प्राप्ति होती है। और बात चलने के हो हे रानी थे यहां काम करो, अब की टाइम में कलयुग में बाबू गोरखनाथ जी बड़ा तपेश्वर है, मांगे दियो बाती करे करो, सुबह शाम सेवा करे करो, माला फेरे करो और मांगे नाम को एक दियो लगाई करो, बाबू गोरखनाथ जी प्रसन्न हो जाए तो ये लिखड़ा जो का सह मीट दे, थारा संतान की प्राप्ति हो जाए। तो माता बाछल बी दिन नेम ढाल लियो, सुबह शाम उठ के नहा धोगे, गोरखनाथ जी महाराज की दियो बाती करे, बारह साल बैतुई तो हो गया, बारह सालों भक्ति पाकी, भी भक्ति के प्रताप से गोरखनाथ जी को सिंहासन बोलियो। बाबे जी ध्यान लगा के देखे तो बाछल नहीं गई, मन में विचार करो बाछल नहीं, सेवा लाग रही है तेरी, हर बड़ी दुखी है, सूखी लकड़ी हो रही है, तो बागड़ चालना जरूरी है। तो महाराज पलक उघाड़ के नांद की आवाज लगाई, नांद की आवाज लगाई तो गोरखनाथ जी के 1400 चेला 84 सीधा सारा भात बाज के भेड़ा होगी, बाबा जी के चरणाम सी जीवा दियो। और बाबा जी पूछ रहे करी, महाराज के बात आज चांच के नाद किया बजाई है। गोरखनाथ जी कहने लगे, चलो यहां काम करो, अपन बंगाल में बैठन बहुत सा साल बीत गया, नगरी बस्ती भली हुए, साधु रमदा वाला हुए, चारू मेरी निगाह लगा के देखो, इसो कोई देश हुआ जब हम चार दिन आप भ्रमण कर गए। तो चेला कहने लगे, महाराज उगम देख लिया, पश्चिम देख लिया, गोड़ बंगाल देख ली, अब महाराज एक ही है कि हरियाणा देश है, जो बड़ो भलेरो देश है, हरियाणा देश धनेड़ी देश है, आचो धन हुए, अच्छी फसलां हुए, आचो खाने मिले, महाराज हरियाणा चलना। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, नहीं चलो हरियाणा कौन चला, तो आप बागड़ चाल से, आप बागड़ को नाम लेता ही सारा साफ तो सुन सह चुप हो गया। गोरखनाथ जी कहने लगे, के बात चलो बोलिया को नहीं, क्या महाराज बोलन दोगा छोड़िया ही कोनी, नाम ही छोले लियो, बागड़ को नाम लियो, बागड़ में कोरी भूख है। अब किया चेला, गोरखनाथ जी ने बागड़ की बात बतावे के अपनी राम सभा, साधु नदी से सिमरता और बदती नदी से बे, चंदा नदी से चालता तो है कुदरत राखे, एक चंदा दी से चालता और बदती दी से बे,
साधु दी से सिमरता तो सुरत सबद राम बागेड़ देश बाबा मे को निजाम हाँ बागेड़ देश अब चलना रे गोरख जोगी